शेमिंग किसी चीज़ को करना रहता है ना, तो वो तब होती है जब आपको उस बंदे को नीचा दिखाना होता है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता रियल लाइफ में। क्या जानोगे देव बाबू, अगर लड़की बहुत छोटी तो लड़की पैसे के लिए शादी कर रही है या लड़की सेटलमेंट के लिए कर रही है। हाँ, कुछ कुछ लोग रहेंगे जो ट्रोल करेंगे मुझे या बोलेंगे कि ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मुझे नहीं लगता कि अभी नफरत मिलेगी, क्योंकि हम अभी, चलो हम लोग OTT के ज़माने में, आप नफरत से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये बोलते हैं कि ये इसने अच्छा काम किया या इसने अच्छा काम नहीं किया एज एन एक्टर। इट्स बिकम अ सोशल कॉज, इट्स बिकम अ सोशल इशू बिकॉज गर्ल्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग मैरिड टू यंगर गाइज। इट्स बिकम अ सोशल इशू नाउ। दिस इज नेहा वाघ एंड यू आर वॉचिंग टेली चक्कर। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। आज तक सबने आपको बहुत पॉजिटिव देखा है, अब नेगेटिव होने जा रहे हैं। क्या तैयारियाँ, गाढ़ी लिपस्टिक, बड़ी बिंदी, हैवी ज्वेलरी, क्या कुछ कर रहे हो? ये सारी स्टीरियोटिपिकल चीज़ें हैं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। बेसिकली ये कैरेक्टर ना बहुत रियल है। रियल इस हिसाब से है कि आप ऐसे सोचेंगे कि नेगेटिव और रियल कैसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि हम किसी को लाइक करते हैं या किसी के ऊपर हमारा क्रश है या वी लव समवन, बट दैट समवन डजंट लव अस बैक। ये इट्स जस्ट दैट रियल इमोशन, इट्स जस्ट द सेम, सिर्फ इसकी हद थोड़ी सी पार हो चुकी है, दैट्स इट। अदरवाइज दिस कैरेक्टर इज वेरी रियल। एक तरफा प्यार की ताकत पर बात, तुम क्या जानोगे देव बाबू kind of thing। नहीं नहीं, it was like एक तरफा प्यार की बात ही कुछ और वाला है। हाँ, but नहीं, ये वैसा वाला नहीं है, ये वैसा वाला है कि एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानोगे देव बाबू। कहते हैं ना कि कोई भी टीवी सीरियल शुरू नए कंसेप्ट के साथ होता है, पर एक टाइम के बाद ना ऐसा होता है कि वो घूम फिर के वही सास बहू का ड्रामा हो जाता है। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे कोई सास बहू का ड्रामा ही नहीं है। यहाँ पे मेरे को लगता है सौतन का ड्रामा ज़रूर होगा। सौतन मतलब आई विल बी द सेल्फ अक्लेम्ड सौतन, तो वो हो सकता है यहाँ पे। अदरवाइज ऐसी कोई वो वाला ड्रामा नहीं है कि ये कर दिया बहू को, वो कर दिया सास ने, ऐसा कुछ नहीं। ओके, जब कोई एक्टर ना एक किरदार प्ले करने लगता है ना, तो सोशल मीडिया इतना प्रोमिनेंट हो, मतलब इतना फास्ट हो गया है, लोग आप तक रीच आउट करने लगते हैं, अरे आप ये क्यों कर रही हो मेरे फेवरेट कैरेक्टर के साथ, ये क्यों कर रहे हो। इसके पहले भी आपने जो किरदार किया होगा आपको प्यार मिल रहा होगा, अब शायद नफरत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? मुझे नहीं लगता कि अभी नफरत मिलेगी, क्योंकि हम अभी, चलो हम लोग OTT के ज़माने में, अभी पीपल वॉच सो मच ऑफ शोज़। आप नफरत से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये बोलते हैं कि ये इसने अच्छा काम किया या इसने अच्छा काम नहीं किया एज एन एक्टर। आई थिंक हम लोग उस जगह से हम लोग निकल चुके हैं अभी। हाँ, कुछ कुछ लोग रहेंगे जो ट्रोल करेंगे मुझे या बोलेंगे कि ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट इसके पहले जब मुझे आपने पॉजिटिव रोल में देख ही लिया है, उसके बाद आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो आई थिंक डजंट मेक सेंस। नो, नफरत तो, ट्रोलिंग तो होती रहती है, वो चाहे मैं काम करूँ या ना करूँ। हैव यू एवर फेस्ड ट्रोलिंग एनी काइंड ऑफ? यस यस, डेफिनेटली सो मच। आई वाज इन बिग बॉस, प्लीज। ये तो बड़ा, मतलब बिग बॉस में दे तो क्या ट्रोलिंग है? ट्रोलिंग ऑब्वियसली बिग बॉस में तो आपकी ट्रोलिंग होगी, चाहे कोई भी हो आप। कौन से मुद्दे पर ऐसी ट्रोलिंग हुई थी जिसे आप चाहकर भी नहीं भूल पाए? मैं अंदर थी। बाहर आने के बाद पता तो चला होगा। कोई एक ऐसा टॉपिक है नहीं लाइक कि अरे इस पे भी मैं ट्रोल हो गई? प्लीज, मेरी हंसी को लेके भी लोगों ने ट्रोल किया, मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा था क्या मैं बैठ के रोऊं, तो इट्स ओके, ईच टू इट्स ओन। आपने एक ऐसा किरदार प्ले किया है जहाँ पर आप माँ बने थे, यू नो, और आपने बहुत ही सादगी से उसे निभाया था। यहाँ पर थोड़ा बहुत तो ग्लैमर है आपके रोल में, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन होते हैं या फिर ये बस फ्लो फ्लो में हो जाता है? एक्स्ट्रा प्रिपरेशन एज सच एज एन एक्टर होते हैं। देखिए, लुक तो आप मुझे बोलोगे कि मुझे तुम ये पेड़ बनना है एज एन एक्टर, तुमको ये पेड़ का एक्टिंग करना है, तो मुझे, आई शुड बी एबल टू डू दैट ऑल्सो। सो
प्रिपरेशन मोस्टली एक्टिंग की होती है. लुक की तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा यू नो यू आर इनटू अ माइथोलॉजिकल शो और अ हिस्टोरिकल शो. दिस इज़ अ वेरी रियल शो. आप कपड़े भी देखेंगे हमारे जो रोज़मर्रा हम लोग रोज की ज़िंदगी में लोगों को देखते हैं. हाँ थोड़ा सा फैशनेबल है बिकॉज ऑफ द स्टैचर ऑफ दिस कैरेक्टर. उसकी वजह से थोड़ा सा फैशनेबल कैरेक्टर है. सो या बट अदरवाइज प्रिपरेशन मोस्टली इज अबाउट एक्टिंग नॉट द लुक. एज की बात हो रही है इस सीरियल में. एज शेमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है यू नो. एंड बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ बिग बॉस तो ये सवाल पूछना तो बनता है. ये ऑल दो ये पुरानी बात है. सरे हम एज शेमिंग कर दिया गया था नेशनल टेलीविजन पर शमिता शेट्टी को, उसके बाद जय भानुशाली को. तो जब स्टार्स को भी ऐसे कर दिया जाता है बिना किसी रीज़न, उस पर क्या कहने का मन करता है या फिर नज़रअंदाज करते हो? मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सोसाइटी बनाती है ये चीज़ें. क्योंकि अगर मैं बताऊँ सच में ये चीज़ें होती आ रही है या होती रहेंगी, आगे भी होती ही रहेंगी. जब किसी को क्या होता है पता है, आप जब बोलते हो ना कि शेमिंग किसी चीज़ को करना रहता है ना, तो वो तब होती है जब आपको उस बंदे को नीचा दिखाना होता है. यूजुअली अगर आप देखोगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता रियल लाइफ में, लेकिन जब आपको सामने वाले को नीचा दिखाना होता है ना, तो आप कोई भी टॉपिक निकाल के उसको आप शेम करना शुरू कर देते हो, चाहे कुछ भी हो. फिर उसका वज़न हो, चाहे उसका हंसी हो, चाहे उसका दिखना हो, चाहे उसका बिहेवियर हो, जो भी चीज़ें हो. इट हैपन्स इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट. अगर आप करनी ही नहीं है तो आप क्यों करोगे? आपको अगर फ़र्क ही नहीं पड़ता रियल लाइफ में. आपको फ़र्क पड़ता है कि आपका कलीग कैसा है? नहीं फ़र्क पड़ता. लेकिन अगर आपको उसको नीचा दिखाना है तो आपको फ़र्क पड़ता है फिर. तो ये हमारी जो है ना, ये मेंटल स्टेट है, ये हमारी साइकोलॉजी है. इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. इस जो शो का प्लॉट है, उम्र में फासला है, प्यार है, लेकिन फिर भी प्यार है. क्या कभी आपने रियल लाइफ में ऐसे किसी कपल को देखा है और जिनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और जिन्हें आप एग्जांपल के तौर पे रख सकते हो कि हाँ ये तो मैंने देखा इसीलिए मेरे? या मैंने तो बहुत सारे देखे हैं कपल्स ऐसे जिनमें एज डिफरेंस है. और पहले के ज़माने में तो एज डिफरेंस रहता ही था शादी में. मम्मी पापा की शादी में भले इतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो एज डिफरेंस रहता ही था. एंड ये तो हमारे कल्चर में ही है कि एज डिफरेंस होना चाहिए, है ना. हम लोग ऐसी पहले के ज़माने में तो ऐसी शादियां करते थे कि लड़का बड़ा होता था, लड़की छोटी होती थी. बट अभी क्या हो गया पता, इट्स बिकम अ सोशल कॉज, इट्स बिकम अ सोशल इशू बिकॉज गर्ल्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग मैरिड टू यंगर गाइज. इट्स बिकम अ सोशल इशू नाउ. जब तक सिर्फ लड़के करते थे तब तक बात अलग होती थी. अब इसको ऐसे सोशल इशू बना दिया किया कि लड़की ने, अगर लड़की बहुत छोटी तो लड़की पैसे के लिए शादी कर रही है, या लड़की सेटलमेंट के लिए कर रही है, या इस चीज़ के लिए कर रही है, उस चीज़ के लिए कर रही है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले के ज़माने में तो यही होता था. थैंक यू. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.